नमस्ते साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम उम्मीद करेंगे कि अपना जो पी ब्लॉक है वो चैप्टर एंड हो जाए। एक आज की क्लास देखते कितनी लंबी चलती है जिससे अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाए। हमने अपनी लास्ट क्लास में वर्ग नंबर 17 चैप्टर कौन सा है 7 पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में अपना जो वर्ग था वो चल रहा था वर्ग नंबर 17 हैलोजन वर्ग, जिसमें हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक थे वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। और उसमें 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा पूछे लिए जाते हैं। एक तो क्लोरीन बनाने की महत्वपूर्ण विधि, थोड़ा सा रिविज़न हो जाता है इस बारे से। क्लोरीन बनाने की जो महत्वपूर्ण विधि है कमेंट्स में बता देना कौन सी है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाई थी, तनु और सांद्र के साथ। फिर अमोनिया और क्लोरीन की क्रिया, एक बार अधिक्य में अमोनिया लिया था और एक बार अधिक्य में क्लोरीन लिया, तो ऐसे काफ़ी बातें क्वेश्चन थे हमने कल की क्लास में कर लिए थे। आज की हम क्लास आगे स्टार्ट करते हैं तो उसी टॉपिक को जहाँ हमने एंड किया तो वहीं से हम ले रहे हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन जब हम क्लोरीन के लिए पढ़ रहे हैं तो क्लोरीन का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्लोरीन है वो कि क्रिया अगर किसी भी रंगीन पदार्थ से आप कराओगे तो उसको रंगहीन बना देगा। क्या बना देगा? रंगहीन। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है वो मैं इसका स्क्रीन पे लिखकर आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ से अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो Cl2 गैस है वो किसके रूप में कार्य करती है? विरंजक। विरंजक का मतलब रंग को उड़ाने के का कार्य है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विरंजन क्रिया। क्या बोलते हैं? विरंजन क्रिया। तो आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है आज का, कि पहला क्वेश्चन जो आज के हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम इससे लिख रहे हैं कि Cl2 की विरंजक क्रिया को समझाइए। क्या लिखा है? Cl2 की विरंजक क्रिया को समझाइए। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, हम उसकी बात कर लेते पहले कि Cl2 एक प्रबल विरंजक है। पहले बात तो याद करिए Cl2 एक क्या है? प्रबल विरंजक है और विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। आंसर लिखो तो क्या लिखना कि Cl2 एक प्रबल विरंजक है और विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। इस क्रिया में क्या होता है कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन किस में घुलेगी? जल में। तो देखो सीधी बात है, 2 Cl और 2 हाइड्रोजन तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 2HCl। और क्या बच गई? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? याद हो तो नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है? जो रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ के साथ ये नवजात ऑक्सीजन क्रिया करेगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? रंगहीन पदार्थ में। सीधा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि Cl2 की विरंजक क्रिया को समझाइए। क्या लिखा है? Cl2 की विरंजक क्रिया को समझाइए। तो क्या लिखेंगे? Cl2 एक प्रबल विरंजक है, जो विरंजक और जो विरंजक क्रिया है वो ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो Cl2+H2O, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, यह ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ, कैसे पदार्थ के साथ? रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करती है और उसको रंगहीन में कन्वर्ट कर देती है। तो क्वेश्चन में कोई इतनी विशेष प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाता है कि जो है क्लोरीन है, क्लोरीन से बहुत से विषैले कंपाउंड बनते हैं, तो क्लोरीन से बने 2 विषैले यौगिकों के नाम लिखो। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार पुटअप कर लिया जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, क्लोरीन युक्त। क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कि
क्लोरीन युक्त दो विषैली गैसों के नाम लिखें। क्या क्वेश्चन दिया है? क्लोरीन युक्त दो विषैली गैसों के नाम लिखें। तो अगर इसका आंसर लिखना चाहे तो इसमें एक तो आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा, और चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म की बोतल होती है उसको रंगीन बंद बोतलों में रखा जाता है, नहीं तो वहाँ कौन सी गैस बनती है? जल्दी से अगर याद आता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। बेटा पढ़ने के बाद याद नहीं आएगा तो एग्ज़ाम बाद में क्या फ़ायदा। तो पहली बात याद रखनी है कि उस गैस को हम बोलते हैं फोजीन गैस। तो पहली गैस कौन सी लिखनी है? फोजीन गैस। फॉर्मूला होता है COCl2, लिख दिया। तो क्लोरीन युक्त दो विषैली गैसों में पहली गैस क्या लिखी है मैंने? फोजीन गैस COCl2। दूसरा अगर आपको याद हो, दूसरी गैस में मैं बता दूँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हमने जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा था और क्लोरोफॉर्म की आपने क्रिया करवाई नाइट्रस या नाइट्रिक अम्ल से, अगर आपको याद हो तो अश्रु गैस बनी थी। तो नंबर दो अश्रु गैस, फॉर्मूला इसका होता है CCl3.NO2। CCl3.NO2। इसके बाद अगर हम आगे बात करना चाहें तो दो ही पूछिए, तीसरी गैस भी मैं आपके लिख देता हूँ, थोड़ी बहुत और काम आ जाएगी। मस्टर्ड गैस, क्या लिखा है? मस्टर्ड गैस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl। क्या बोलते हैं इसको? मस्टर्ड गैस। तो क्या लिखा है कि क्लोरीन युक्त दो विषैली गैसों के नाम लिखें। तो पहला तो क्या हो जाएगा आपका? फोसजीन। क्या लिखा है? फोसजीन गैस COCl2। दूसरी आपकी अश्रु गैस CCl3.NO2। और तीसरी भी हम लिख लेते, याद आ गई तो मस्टर्ड गैस, बीच में S, दोनों तरफ CH2 CH2, और दोनों तरफ लास्ट में क्या जोड़ दिया? Cl। तो ये कौन सी गैस है? क्लोरीन युक्त विषैली गैसों के एग्जाम्पल हैं। और इसमें याद रहेगा विरंजक, विरंजक का मतलब ये रंगीन पदार्थों को क्या बना देता है? रंगहीन। तो रंगीन पदार्थों से याद आया, एक क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, हेलोजन होती है वो रंगीन होती है। क्वेश्चन क्या आता है? हेलोजन रंगीन होती है क्यों? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करें उसी पे। तो नोट हो गया, देखो आगे बात करें। अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ें, तो क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की थी उसकी कि सभी हेलोजन, क्या लिख रहे हैं? सभी हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों? सभी हेलोजन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं क्यों? अब इसको अगर समझना चाहे तो आप इसे समझो कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर होते हैं, तो जैसे ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 10 से प्रकाश का उत्सर्जन अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और वहाँ से पुनः उस का उत्सर्जन करते हैं तब ये रंगीन दिखाई देते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन है वो पीले रंग का दिखाई देता है, क्लोरीन हरित पीला बोलते हैं, ब्रोमीन लाल रंग का, और जो आपका आयोडीन होता है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आंसर लिखे तो कि सभी सभी हेलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके एकाकी
इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, क्योंकि इनके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन 10 से प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। क्या लिखा है कि इनके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन 10 से प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और पुनः है अवशोषित प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए फ्लोरीन पीले रंग का क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हरित पीला होता है, फ्लोरीन पीले रंग का, क्लोरीन हरित पीले रंग का, ब्रोमीन लाल रंग का तथा आयोडीन बैंगनी रंग का दिखाई दिखाई देती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं या रंगीन दिखाई देते हैं क्यों, तो सीधा सा आंसर ये लिखना है कि इनके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते जब 10 से प्रकाश मिलेगा तो ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, लेकिन कहीं बाहर चले जाए लौट के तो घर ही आना है, जब वापस से वो निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो प्रकाश का जो अवशोषित प्रकाश है उसका उत्सर्जन करेगा, उस कंडीशन में वो रंगीन दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले अपने कि HCl की तुलना में HI प्रबल अम्ल है क्यों। क्वेश्चन क्या लिखा है, HCl की तुलना में HI प्रबल अम्ल है क्यों। तो यहाँ से एक बात समझना कि ये क्या है, इनके हाइड्राइड है जिनको आप हैलोजन अम्ल बोलते हो, क्या बोलते हो, हैलोजन अम्ल। नॉर्मली आप ये लिखते हो HF, HCl, HBr और HI। देखो क्वेश्चन ये भी आ जाए कि इनमें सबसे अधिक क्रियाशील HI होता है, अब सुनना, इन चारों में हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये चारों अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे और इनको बोलते हैं हैलोजन अम्ल, और HCl तो आप सुनते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो है हाइड्रोआयोडिक अम्ल। तो इन चारों में सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, HI। अब कारण क्या है, देखो बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, आयोडीन का। आयोडीन का आकार बड़ा होगा तो H और आयोडीन के बीच की जो बंद लंबाई है वो ज़्यादा होगी, बंद लंबाई ज़्यादा होने का मतलब बंद आसानी से टूटेगा और बंद आसानी से टूटेगा तो H प्लस आसानी से बाहर निकलेगा, और H प्लस जितना आसानी से बाहर निकलता है वो उतना अधिक क्या होता है, वो उतना अधिक अम्लीय होता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से ले सकते हैं क्योंकि HI में आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण HI बंद लंबाई मतलब HI की बंद लंबाई कह लो
आई की बंद लंबाई अधिक होती है जिससे इसकी बंद वियोजन जिससे इसकी बंद वियोजन एंथैल्पी का मान जिससे इसकी बंद वियोजन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है जिससे H+ आसानी से बाहर निकल जाते। कैसे भी आप इसका आंसर घुमा फिरा के बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि HI क्या है, आई का सबसे बड़ा तो बंद लंबाई इनकी सबसे ज़्यादा होगी, बंद लंबाई ज़्यादा होने से मतलब टूटेगा आसानी से, तो बंद वियोजन एंथैल्पी कम होगी तो H+ आसान जितना H+ आसानी से निकलेगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर हम आगे बात करें। तो ध्यान रखें इसमें काफ़ी जो वर्ग नंबर 17 पढ़ा था उसमें एंथैल्पी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किस प्रकार से आते हैं वो सब हमने आज वाली क्लास में और कल वाली क्लास में काफ़ी हमने इसके क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो ये वर्ग नंबर 17 था, जो भी क्वेश्चन लगे थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। इसके बाद इसका कुछ पोर्शन जो वो हटा दिया गया, इसका आंसर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 के क्वेश्चन क्या बनते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सब चीज़ें मैंने समझा दी, लेकिन उनका एक क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि जो अक्रिय गैस है वर्ग नंबर 18 की, उनके उपयोग संबंधी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी गैस का उपयोग किस में किया जाता है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो कि यहाँ हम स्टार्ट करते हैं वर्ग नंबर 18। क्या लिख रहे हैं? वर्ग 18। अब वर्ग 18 के बहुत सारे नाम दे रखे हैं आप लोगों ने। एक तो क्या बोलते हो आप, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, शून्य वर्ग, तो ये सब जानती हो। अक्रिय गैसें उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं इसका क्वेश्चन में मैंने आपको लिखा दिया था। अब देखो सबसे पहले तरीका क्या लिखा था हमने, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। क्या लिखा है? हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो यहाँ पर लिखने का मेन रीज़न ये था कि इनके जो उपयोग है उसके बारे में हम पढ़ सके, जिसमें हमें कुछ लगे तो वहाँ से। तो उपयोग में तो है कि आप सभी ने ये पढ़ा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि गुब्बारे में, बलून आप बोलते हो, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी हुई होती है, कौन सी? ये हीलियम है बेटा, आपके माइंड में आया होगा हाइड्रोजन। देखो बेटा एक चीज़ बता दूँ कि अगर हल्की की बात करें तो समझा दूँ, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, हीलियम से भी ज़्यादा हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील होती है, और ज्वलनशील होने का मतलब आग लग सकती है, जबकि आपकी हीलियम गैस होती है वो अक्रिय होती है, अक्रिय के साथ अज्वलनशील होती है, तो इसमें आग नहीं लगती। तो इसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता, लेकिन वो तो एक नॉर्मल उपयोग था। मौसम संबंधी जानकारी में गुब्बारों में, मौसम संबंधी जानकारी के लिए गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है, काफ़ी हल्की होती है। दूसरा आपने सुना होगा गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं, तो उनके जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ इस हीलियम गैस को मिला दिया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस की जो विलेयता होती है रक्त में वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने क्या लिखा है? नियोन, चमकीली पट्टी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नियोन का प्रयोग किया जाता है। इन सभी गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा?
कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। आपकी जो रेडोन लिखा है, क्या लिखा हमने? रेडोन। रेडोन तो खुद एक गैस है लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व है, अतः इसका उपयोग रसायनों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के इनके काफ़ी उपयोग है जिनके बारे में हमें बात करनी है। बात करें सबसे पहले हम हीलियम के उपयोग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसके? हीलियम की बात कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसके साथ लिख रहा हूँ कि मौसम की जानकारी के लिए, मौसम की जानकारी के लिए किसमें? गुब्बारों में। मौसम की जानकारी के लिए गुब्बारों में। तो देखना गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। कारण क्या है कि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होने का मतलब ये हल्की होती है। इसके अलावा अगले उपयोग की बात करें तो गोताखोर में ऑक्सीजन, गोताखोर में ऑक्सीजन गैस को तनु करने के लिए इसको मिलाया जाता है, क्योंकि रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम होती है। रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम होती है। एक मिनट बेटा, रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम। तो गोताखोर के पीछे जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ कि गोताखोर में, या जो बोलते हैं सिलेंडर में, तो गोताखोर में ऑक्सीजन, गोताखोर का मतलब सिलेंडर लगाते पीछे उनकी बात है, तो गोताखोर में ऑक्सीजन गैस को तनु करने के लिए इसको मिला दिया जाता है, क्योंकि रक्त में इसकी विलेयता होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा ये अतिचालक चुंबक बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग NMR या MRI में किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी हीलियम का उपयोग मैं लिख रहा हूँ, अतिचालक चुंबक उत्पन्न करने में। क्या लिखा है? अतिचालक चुंबक उत्पन्न करने में, अतिचालक चुंबक उत्पन्न करने में जिसका उपयोग NMR या MRI में किया जाता है, जिसका उपयोग NMR या MRI में किया जाता है। तो यहाँ से ये हीलियम के उपयोग लिखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, जैसे ऐसे आ जाए कि मौसम की जानकारी के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद होना चाहिए कौन सी? आपकी हीलियम। गोताखोर में ऑक्सीजन गैस, गोताखोर में जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस क्यों मिला जाती है, हीलियम गैस क्यों मिला जाती है? तो क्वेश्चन सीधा सा कि ये ऑक्सीजन गैस का तनुकरण कर देता है और रक्त में इसकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, NMR में कौन सी गैस का उपयोग किया जाएगा? तो याद रखना कि अतिचालक चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। तो ये हीलियम गैस के काफ़ी उपयोग थे जो मैंने आपके लिख दी हैं। इसके अलावा अब हम किसकी बात कर लें? निकिल की, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिख लेते, नियोन। तो नियोन के लिए याद रखना है कि चमकीले बोर्ड व विज्ञापन बनाने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत दूर से कुछ चमकीली चीज़ें नज़र आती है, बोर्ड लगे होते, साइनिंग बोर्ड लगे होते, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? नियोन का। तो चमकीले बोर्ड व विज्ञापन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नियोन का प्रयोग करते हैं। विज्ञापन पट्टी बनाने के लिए नियोन का प्रयोग। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो किसकी बात कर लेते हैं? आर्गन। तो आर्गन का उपयोग मैं इधर लिख देता हूँ कि उच्च ताप पर, उच्च
पर धातु प्रक्रम, उच्च दाब पर धातु क्रम प्रक्रम में अक्रिय वातावरण बनाने में, क्या लिखा है? उच्च ताप पर धातु क्रम प्रक्रम में अक्रिय वातावरण बनाने में किसका उपयोग होता है? आपकी इस आर्गन गैस का उपयोग या ऑर्गन गैस का प्रयोग होता है। धातु क्रम बेटा अयस्क से, चैप्टर नंबर 6 था वो आपकी इस बार हटा दिया गया है। अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस होती है उसे धातु क्रम कहते हैं। तो ये क्रिया उस ताप पर संपन्न होती है, उस ताप पर होने पर उस चारों मेर के वातावरण को अक्रिय बनाने के लिए वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन का प्रयोग करते हैं। किप्टोन के लिए मुझे कोई विशेष बात मिली नहीं थी, अपनी बुक में लिखी भी नहीं है। जिनोन के लिए मैं बता दूं कि इन सभी अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा यौगिक जिस गैस के पाए जाते हैं वो कौन सी है? जिनोन। तो इसके लिए लिख दूं, अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक, क्या लिखा है? अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक किसके हैं? आपके जिनोन के पाए जाते हैं। इसके पश्चात आपका लास्ट अक्रिय गैस कौन क्या आती है आपकी? रेडोन। तो रेडोन के लिए तो आप भी जानती हो कि ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। गैस तो है लेकिन तत्व कैसा है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण, रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसका उपयोग रसायनों के अध्ययन में किया जाता है। तो रेडोन कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसका अध्ययन, रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण ऐसा हो गया कि रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण रसायनों के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो अक्रिय गैसों के जो उपयोग थे बुक के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। जहाँ नियोन गैस होती है ना वो बल्ब में भी भरी हुई होती है, लैंप होती है उनके अंदर भी नियोन होती है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आपका ये चैप्टर काफ़ी कंप्लीट हो गया है और अपना जो पी ब्लॉक था कहते कि सबसे बड़ा चैप्टर मानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें आपकी हटा दी है तो वो मैंने नहीं करवाई है। बाकी उसके अलावा जो मुझे लगा कि जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, वो सब मैंने अपनी लास्ट जो 7-8 क्लास थी उसके माध्यम से आपको ये पी ब्लॉक का चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिया है। तो आज की क्लास केवल इतनी ही होगी, इसी के साथ ही अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। और अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अब नया चैप्टर कौन सा होगा वो हम जल्द ही देखेंगे।